हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वेब सीरीज शो में। और मैं हूं आपका रीजनिंग फ्रेंड आपके साथ। और जैसा कि हम लोग अभी सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे, तो उसी को हम लोग आज क्या करें, एक लेवल हाई करने वाले हैं। क्योंकि कल ही हम लोग ने बात की थी क्या कि कल हम लोग ने कनेक्ट करना सीख लिया था, हम लोग ने इसका सर्कल भी किया, रो भी किया, स्क्वायर भी किया, सब कुछ किया, राइट। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं इन एंड आउट वाले मिक्स, जो कि कल नहीं किए थे, ठीक है ना, आज करेंगे। और फिर हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं पजल। क्यों? क्योंकि पजल ही एग्जैक्टली जो मेन बड़े बड़े एग्जाम्स में आ रहे हैं, राइट। तो सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा हाई लेवल करके वेरिएबल्स जब कर देंगे तो वो एग्जैक्टली घुस जाता है कहाँ, पजल्स में घुस जाता है। इसीलिए उसको हम लोग फिर से शुरू करने वाले कल से, कि हाई लेवल क्वेश्चन पजल के 0 to 0 तक जाएंगे, राइट। तो आज उठाते हैं आपका पहला क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्या इन एंड आउट भी है और नॉर्थ एंड साउथ एक लाइन में भी है, ठीक है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन है ये कि 9 दोस्तों की कहानी है जो कि एक रोज में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। इसका क्वेश्चन जो है बहुत लंबा था, इसलिए इंग्लिश एक फील्ड में आया है और ये रहा हिंदी इसका वर्शन। जो लोग हिंदी बनाना चाहें, हिंदी देखना चाहें, बिल्कुल इसको पॉज करके आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिर बनाया जाए क्वेश्चन। चलो मैं आपको बनाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो क्या बोल रहा है, देखो जरा ध्यान से। एक रो है, ठीक है ना, क्या बोला, एक रो है और एक रो में क्या बैठे हैं, देखो 9 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 लोग क्या है, एक रो में बैठे हुए, ठीक है। अब हमें क्या बोला, देखो आर इज फोर्थ फ्रॉम एनी ऑफ द एंड, ठीक है ना, किसी एक एंड से जो है वो कहाँ बैठा है, फोर्थ बैठा हुआ, ठीक है। तो हम देख ले जरा, तो कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो मैं 2 लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्यों, ताकि कंफ्यूजन कम हो। 7 8 9, देखो आप चाहो तो एक ही में क्या कर सकते हो, दोनों साइड से इधर से बिठा लो, एक बार इधर से बिठा लो, जैसा आप करना चाहो आप कर सकते हो, मैं सब तरीके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहले जो लोग नए बच्चे हैं उनके लिए ये कहूँगा, सीखिए, सीखते समय कोई आप शॉर्टकट मत खोजिए, बिकॉज सीखते समय आपको क्या होगा, प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्या बोल रहे, देखो लेफ्ट साइड से फोर्थ मैंने लिया, 1 2 3 4, लेकिन वहां लेफ्ट तो बोला नहीं था, बोला था क्या, कोई भी एक एंड, तो दोनों एंड से लेंगे तो इधर से भी लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 इधर बच गए। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे आगे, आगे देखेंगे क्या कि बहुत सारी लाइनें जो है वो जुड़ नहीं रही हैं, बहुत सारी लाइनें क्या है वो जुड़ती नहीं है, क्यों, क्योंकि डेटा जो है सारा अकॉर्डिंगली नहीं दिया जाता है कि नहीं। तो डेटा जब सारा अकॉर्डिंगली नहीं दिया जाता है तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, देखो उसको लाइन को मिस करते हैं, ठीक है, मतलब छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमें अभी आर का डेटा मिला, हमको नहीं समझ में आया तो हमने क्या 2 डायग्राम बना लिया, अब यहाँ पे एक और डेटा बन जाएगा, मिल जाए डब्लू का या एम का, जैसे आगे देख रहे हैं डब्लू है आर है, तो हमें जब डेटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली लाइन स्किप करके आगे बढ़ेंगे। तो देखो लाइन स्किप करके आगे बढ़ना नो प्रॉब्लम, बढ़ना पड़ेगा, लेकिन पता है क्या बच्चों कि यहाँ जो टाइम वेस्ट हमारा सबसे ज्यादा होता है पजल बनाते वक्त, वो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को बार बार रीड करते हैं, और रीड करने के अनुसार क्या होता है, हमारा समय जो है वो थोड़ा ज्यादा चला जाता है, क्योंकि देखो पजल है, आप एक इंग्लिश की कंप्रिहेंशन पढ़ते हो तब समय लग जाता है, तो पजल को अगर आप बार बार पढ़ोगे तो कहाँ जाएगा समय, समय लॉस होता है। तो इसलिए हम लोग ने एक ट्रिक निकाली, क्या, वन रीड वन शॉट सॉल्व, क्या बोला मैंने, वन रीड वन शॉर्ट सॉल्व, मतलब एक बार पढ़े और एक ही बार में करने की कोशिश करें, क्यों। अब आप बोलोगे सर जो लाइन छूट रही है उसका क्या करना है, देखो जो लाइन छूट रही है वो छूटेगी, एकदम वो टेंशन नहीं है, छूटना पड़ेगा क्योंकि कुछ लाइन एग्जामिनर सजा के आपको नहीं देगा, आपको तोड़ तोड़ के ही देगा डेटा, राइट। आप क्या करोगे, उस लाइन को निकालो और एक शॉर्टकट बना के यहां पे साइड पे लिख लो अपने कॉपी में जहां बना रहे हो, इससे फायदा ये होगा, देखो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि देखो जब हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है, या जब हम लोग नॉर्मल लाइफ की बात चल करते हैं, कि हम लोग को भूख भी लगी है ना, तो हम लोग भी तभी प्रिफर करते हैं जब वो सामने पड़ा हो, मतलब अगर हम घर पे अकेले हैं और भूख लग रही है हल्की हल्की सी, वही मम्मी अगर सामने परोस दे तो हम झट से खा जाएंगे, लेकिन खुद बनाना है और खुद खाना है तो थोड़ा सा लेजीनेस आता है, चलो ठीक है अभी तो थोड़ी भूख है, एकदम एक्सट्रीम तक पहुंचे भूख तब खाएंगे, तब उठेंगे, हिलना नहीं चाहते, नॉर्मल सी बात होती है कि जो चीज सामने होती है हम उसे पिक करना ज्यादा इजी समझते हैं, ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है ना। पानी भी पीना है, ग्लास नहीं है, बॉटल पड़ी है, हमने बॉटल से पी लेंगे, लेकिन ग्लास है तो ग्लास भी प्रेफर करते हैं, मतलब जो चीज सामने अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करोगे, बट उठ के जाके लेके आना हम लोग थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, ये हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। सेम यहां भी अगर आपका डेटा संग में शॉर्टकट यहां लगा रहेगा क्वेश्चन आपके कॉपी के साथ, तो क्या होगा, आप उसे इजिली चुन सकते हो, जैसे देखो आगे क्या लाइन बोली है, मोर देन 2% आर सिटिंग बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, तो
तो अगर मैं ये लाइन को यहां पे लिख दूं कि R और W के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं, मैंने क्या किया, देखो एक अपना शॉर्टकट बनाया और मैंने यहां रख दिया कि R और W के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं। अब देखो डेटा तो जुड़ने अभी नहीं है, अभी लायक नहीं है जुड़ने के, लेकिन है तो डेटा ही, और हम लोग क्या करते हैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते, फिर आगे जाके कंफ्यूज होते कि यार ये डेटा आर डब्ल्यू जुड़ने, फिर हम लोग क्या करते दोबारा पढ़ते, और ये दोबारा पढ़ते, फिर तिबारा पढ़ते, ये बार बार पढ़ना क्या करता है आपका समय बर्बाद कर देता है। इसीलिए इसको अगर सामने बैठाओगे तो क्या होगा, दिमाग में हमारे को है कि सामने में आर डब्ल्यू पढ़ा है, इस डेटा को यूज करना है, इस डेटा को यूज करना, और जैसे ही देखना आपके पास डब्ल्यू आएगा आप इसको यूज कर लोगे, यही होता है इसका इफेक्ट। और साइंटिफिकली भी देखो इसका इफेक्ट होता है कि जब हमारा सेंस ऑर्गन होता है ना, सेंस ऑर्गन क्या होता है, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, स्मेल, स्किन हो गया, टच है कि नहीं, तो आंख जो देखती है ना वो बार बार ब्रेन को सिग्नल देती है। तो अब यहां पे एक डेटा पड़ा हुआ आर डब्ल्यू का, ऐसे ही अगर आप दो चार डेटा इकट्ठा कर लिए सामने में, आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हो तो ध्यान क्या हो रहा है, बाकी सारे डेटा पे भी जा रहा है, और जब ये डेटा पे ध्यान जाता है तो क्या होता है कि वो बार बार ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि देखो ये डेटा भी पड़ा हुआ है, जो कि लाइन में रहेगा तो आप खोज नहीं पाओगे, आपको दोबारा रीड करना है, लेकिन यहां पे रहेगा तो आपको अटैच उसको करने में बहुत आसानी होती है, आपको जोड़ने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो चलो फिर आगे जोड़ते हैं। क्या बोला है, W इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ R, यहां मैं शॉर्टकट में लिख लूं कि W जो है R के, W R के विपरीत दिशा में देखता है, मतलब उल्टा, अगर जहां W देखेगा वहां R नहीं देखेगा, ठीक उल्टा देखेगा। ठीक, चलो आगे क्या बोल रहा है, देखो P सिटिंग थर्ड राइट ऑफ W एंड फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज W, Who is sitting at the right? देखो who भी है और and भी है, और कितना लंबा डेटा कनेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं, यही बात हो रही थी ना कि लाइनें लंबी हो जाती हैं, तो समझ समझ के आपको पढ़ना है ध्यान से और जोड़ना है। ठीक है ना, तो क्या बोलेगा, P sitting third right of W, नहीं डोले अभी है नहीं कहीं, तो मैं लिख लिया P sitting third right of W। देखो ये मेरा शॉर्टकट है, आप कोई भी शॉर्टकट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं रखता हूं ताकि मैं जब भी इसको देखूं तो ये भी दिखे, ये भी दिखे, ये भी दिखे, सब दिखते रहे, तो क्या होगा मैं झट से अटैच कर लूंगा और मुझे बार बार रीड करने की क्वेश्चन को जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे बात। चलो आगे बढ़ते हैं, पी थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, फेसिंग सेम डायरेक्शन डब्ल्यू, मतलब जहां डब्ल्यू देखेगा वहीं पी भी देखेगा। ठीक, आगे क्या बोल रहे, देखो W who is sitting at right end, क्लियर कर दिया W कहां है, राइट एंड पे है, तो देखो यहां भी हो गया W और यहां भी हो गया W, ठीक है ना। अब जैसा कि बोला था, देखो क्या P थर्ड राइट ऑफ W, अब देखो राइट है W, अब W किस दिशा में दिखेगा कि इसका राइट बन जाए, किस दिशा में देखेगा, ऑब्वियसली साउथ में, साउथ देखेगा तभी तो राइट बनेगा क्योंकि राइट एंड पर बैठा है, अगर ये ऊपर देखता तो राइट तो इसका पॉसिबल ही तो नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, ये हो गया W और थर्ड राइट, एक दो तीन, यहां पे क्या आ गया P, ठीक, और सिमिलर यहां पे भी W नीचे ही देखेगा, क्यों, क्योंकि नॉर्थ देखने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि थर्ड राइट जाना है, तो थर्ड राइट आए तो एक दो तीन कहां हो गया, R के ऊपर हो गया, क्लैश कर गया, मतलब ये वाला जो डेटा था ये क्या था, मेरा गलत, तो इस लाइन को अब मैंने क्या कर दिया, डिलीट। अब मैं श्योर हूं क्या कि मेरे पास एक ही लाइन है और यही डेटा आगे जुड़ेगा, तो W R जो W और P था एक ही डायरेक्शन देखेगा, देखो ये डेटा का इस्तेमाल खत्म, तो मैंने काट दिया, अब इससे ये भी रहेगा कि ये डेटा इस्तेमाल हो चुका है। दूसरा क्या बोला था, W और R विपरीत दिशा में देखेंगे, तो W नीचे देख रहा है, मतलब R कहां देखेगा, ऊपर ही देखेगा, श्योर हो गया कि W कहां देख रहा है, साउथ, तो R कहां देखेगा, नॉर्थ, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो रहा है, कहाँ गए लाइन, हाँ देखो क्या बोल रहा है आगे, टू पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एक्स, देखो अब देखो ये डेटा का इस्तेमाल हो चुका है, अब बोल रहा है पी और एक्स के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो, तो देखो ये डेटा का इस्तेमाल मैं मिटा दे रहा हूं, ये डेटा का इस्तेमाल हो चुका है, और ये भी देखो आर और डब्ल्यू के बीच में दो लोग से ज्यादा बैठेंगे, तो आप देख सकते हो आर और डब्ल्यू के बीच में एक दो तीन चार लोग हैं, मतलब ये डेटा भी सेटिस्फाई हो गया है, इसको भी हम काट दे रहे हैं। ठीक, अब बोल रहा है क्या कि पी और एक्स के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग बैठे हैं, तो पी इधर है, ठीक है, ध्यान देना, दो लोग किस तरफ नहीं बताया, तो इस तरफ गए, एक दो छोड़ के इधर ऑलरेडी कौन है, W, मतलब यहां तो नहीं बैठ सकता, तो इस तरफ आए, एक दो छोड़ के ये खाली है, तो यहां क्या आ गया, X आ गया, क्लियर है। आगे लाइन क्या बोल रहा है, देखो एज मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन W एंड X एज बिटवीन T एंड U, क्या बोल रहा है, इस लाइन का मतलब समझ लेना, बोल रहा है कि W और X के बीच में जितने भी लोग बैठे हैं उतने ही लोग T और U के बीच भी बैठे हैं, जितने लोग W और X के बीच में बैठे हैं उतने ही लोग T और U के बीच में बैठे हैं,
ठीक है, तो अभी हम लोग देखें पहले W और X के बीच में कितने लोग बैठे हैं। W और X के बीच में एक दो तीन चार पांच लोग बैठे हैं। कितने लोग हैं? पांच लोग। तो हम क्या समझे कि W और X के बीच में अगर पांच लोग हैं तो T और U के बीच में भी कितने लोग होंगे? पांच लोग होने चाहिए। ठीक, आगे क्या बोल रहे, देखो, बोथ टी एंड यू डिड नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ना टी ना यू किसी कोने पर नहीं है, मतलब ये जगह खत्म है उनके लिए, लास्ट पोजिशन पर टी और यू नहीं हो सकता। तो पांच लोग होने हैं मिडिल में। तो टी अगर यहां होता, ध्यान देना, टी अगर यहां होता तो पांच, एक दो तीन चार पांच छोड़ के यहां पे यू। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे टी या यू और यहीं पे लिखेंगे टी या यू। देखो इसके अलावा और कोई ऑप्शन बन रहा है क्या? टी अगर इधर बैठेगा तो भी देखो एक दो तीन चार पांच छोड़ के इधर यू, और अगर इधर टी बैठेगा तब भी देखो एक दो तीन चार पांच छोड़ के इधर यू। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, टी स्लैश यू कर दिया। क्यों? ताकि मेरा क्लियर रहे कि टी और यू अभी कंफर्म नहीं है, खाली ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच में पांच लोग हैं तो यही जगह बनेगी टी और यू के लिए। सही है, चलो बढ़े आगे। क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है, देखो 2% आर सिटिंग बिटवीन यू एंड वी, U और V के बीच में दो लोग। अब देखो अगर इधर U है, अगर इधर U होता तो दो लोग V, तो इधर हो पाते क्या दो लोग? पॉसिबल नहीं है ना। इधर देखो एक दो छोड़ के ये खाली है, और क्या बोला, U और V के बीच में दो लोग। क्या बोला, U और V के बीच में कितने लोग? दो लोग। तो अगर ये U होता तो दो छोड़ के कहां आता? यहां भी आता, ठीक, लेकिन ये U तो कंफर्म अभी है नहीं, तो इस U को भी देखते हैं। अगर ये U होता तब भी देखो दो छोड़ के यहीं पे भी आता। देखो एक दो छोड़ के क्या आया, इधर आ गया कि भी नहीं, मतलब U चाहे ये हो U चाहे ये हो V वहीं पे आएगा, क्योंकि दोनों ही के क्या है, मिडिल में है वो। आगे बढ़ते हैं, Q सिटिंग थर्ड राइट ऑफ V, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो। तो V देखो मिडिल ऑफ द रो बिल्कुल है, देखो चार इधर चार इधर, मिडिल में आ गया। अब क्या बोला, U इसके सेकंड राइट पे है, सॉरी Q इसके सेकंड राइट पे है। तो अब देखो या तो ये नॉर्थ देखेगा या तो ये कहां देखेगा, साउथ देखेगा। तो नॉर्थ देखेगा तो सेकंड राइट कहां आएगा? देखो अगर ये नॉर्थ देखता है, अगर ये नॉर्थ देखता है सेकंड राइट, एक दो इधर आया कि नहीं, Q खाली था बैठा दिया। अगर ये साउथ देखता तो सेकंड राइट इस तरफ, एक दो खाली नहीं था, यहां पे ऑलरेडी कौन, एक्स बैठा हुआ, मतलब ये साउथ नहीं देख सकता। हो गया क्लियर मेरा वी भी और क्यू भी, सही है कि नहीं, क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, देखो जरा आगे बोल रहा है क्या, एक्स इज सिटिंग फिफ्थ लेफ्ट ऑफ टी। क्या बोला, एक्स जो है टी के पांचवें लेफ्ट में है। तो अगर टी इधर होगा तभी देखो एक्स पांचवें लेफ्ट में आएगा, अगर टी इधर होगा तो कभी भी एक्स पांचवें लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि यहां कौन बैठेगा, यू बैठेगा, और यहां कौन बैठेगा, टी बैठेगा, क्लियर है। लेकिन लेफ्ट बोला मतलब ये कहां देखेगा, नॉर्थ ही देखेगा, तभी देखो एक दो तीन चार पांच पोजिशन पे आ रहा है मेरा एक्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही है। आगे की लाइन देखो, आगे की लाइन क्या बोल रहा है, देखो नॉट मोर देन 3% आर फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन, मतलब साउथ में तीन से ज्यादा लोग नहीं देख सकते। तो एक साउथ मिला, दो साउथ मिला, अभी एक और साउथ होगा, ऐसा संभावना है। ये नहीं बोला कि होगा, ऐसी संभावना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे क्या बोल रहा है, देखो क्यू एंड यू आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन एज पी इज फेसिंग। Q और U जो है वो P के उल्टे दिशा में, विपरीत दिशा में देख रहा है। Q और U P के विपरीत दिशा, तो P कहां देख रहा है, साउथ, तो Q कहां देखेगा, नॉर्थ, और U भी कहां देखेगा, नॉर्थ। समझ में आ रही कि नहीं बात, क्लियर हो गया पॉइंट। लास्ट लाइन, S इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ X। अब देखो जगह खाली एक ही बची हुई थी S के लिए, वो तो ये कंफर्म हो गया था, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ था क्या कि X कहां देख रहा है और S कहां देख रहा है। तो यहां जो लास्ट लाइन बोली क्या, S इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ X। देखो S को अगर X के राइट होना है तो X को बेहिजक साउथ में ही देखना होगा, तभी क्या होगा, सेकंड राइट उसका बनेगा, ठीक। तो ये हो गया क्या, एक साउथ, दो साउथ, तीन साउथ, और अभी लाइन बोली थी क्या कि तीन से अधिक साउथ नहीं हो सकता, तो ये भी कहां देखेगा,
नॉर्थ। तो देखो हमने आपको क्या दिखाया कि हम लोग ने छोटे छोटे शॉर्टकट लिए थे और कितना इजिली हम लोग ने क्या किया, एक लाइन को जोड़ लिया। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इतनी बड़ी सिटिंग अरेंजमेंट को भी पढ़ने में मैंने दोबारा कोई लाइन पे ऊपर की तरफ मैं नहीं गया, मैंने जो इस्तेमाल किया वो शॉर्टकट से किया, मतलब एक ही रीड में देखो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन जैसा भी था मैंने उसको एक ही रीड में सॉल्व किया, किसके मदद से, शॉर्टकट्स की मदद से, ना कि मेरे क्वेश्चन को मैंने बार बार रीड किया, मैंने शॉर्टकट की मदद ली। क्लियर समझे कि नहीं, करने का तरीका समझो। देखो कर सब लोगे लेकिन तरीका सही रहेगा तो जल्दी करोगे, ध्यान रखना। वन रीड वन शॉर्ट दिमाग में बैठा लो, कल से फसल शुरू हो रही है और फिर इस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन मैं उठाता हूं, चलो देखो ये क्वेश्चन, तब तक मैं इसे मिटा लूं। सिमिलरली देखो इसका भी हिंदी वर्जन मैंने देखो यहां पर अटैच कर दिया है, जो लोग को हिंदी क्वेश्चंस चाहिए वो प्लीज इसको पढ़ें और आराम से इसको कर सकते हैं, पॉज कर लीजिएगा इसको करके आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। चलो अब इसको बनाते हैं, क्या बोल रहा, देखो आठ दोस्त है जो कि सर्कल के अराउंड बैठे हैं, कुछ अंदर और कुछ बाहर की देख रहे थे। देखो अब क्या किया मैंने, एक सर्कल लिया, ठीक है, क्या किया मैंने, एक सर्कल ले लिया और बोला क्या कि आठ लोग बैठे हैं, ठीक है, कौन अंदर कौन बाहर मुझे फिलहाल पता नहीं है, क्लियरली बोल दिया कुछ अंदर और कुछ बाहर हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी। देखो पहला ही लाइन शॉर्टकट पे आ गया, क्या लास्ट डे मैंने आपको जब बेसिक क्लास की थी, जिन्होंने मिस किया प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, मैंने वहां पे आपको एक ट्रिक समझाई थी कि अगर टोटल का आधा दे तो मतलब ऑपोजिट है, क्या बोला था मैंने, टोटल का आधा दे तो वो कहां थी, ऑपोजिट। अब यहां देखो क्या बोला, एफ और डी के बीच में तीन लोग, देखो एफ और डी के बीच में कितने लोग, तीन लोग। तो देखो फिर से क्या हुआ, एफ या तो इसका फोर्थ होगा या तो डी इसका फोर्थ होगा, क्योंकि मिडिल में तो तीन है, ध्यान देना मिडिल में तीन है, मतलब F इसके लिए फोर्थ है और D इसके लिए फोर्थ है, सही है कि नहीं, क्लियर हो रहा है ना, कि फोर्थ पोजीशन, जैसे आठ लोग चौथा स्थान मतलब हाफ ऑपोजिट, दस लोग पांचवा स्थान मतलब ऑपोजिट। तो यहां पे भी आपको क्या किया, फोर्थ नहीं बोला बट क्या बोल दिया, F और D के बीच में तीन, तो अगर बीच में तीन है तो ऑब्वियस सी बात है F या तो चौथा है, D भी उसका क्या है, चौथा है, तो मतलब क्या हुआ, F और D कहां होंगे, ऑपोजिट होंगे। मैंने एक जगह F बैठाया और एक जगह मैंने D बैठा दिया, क्लियर हुआ कि नहीं, देखो कितनी इजिली आपने शॉर्टकट लगाया और झट से इस लाइन का इस्तेमाल कर लिया, सही है। आगे E इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ D एंड एफ, दोनों के ही सेकेंड राइट में कौन है, ई है। अब देखो क्लियर हो गया क्या, कि ई जो है सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी एंड एफ एंड फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ, ठीक है। अब ध्यान देना दोनों के ही क्या होना है, इसको सेकेंड, तो मतलब हमने एक जगह ही ई होगा, ई तो देखो दो जगह हो नहीं पाएगा, ई तो एक ही जगह पे होगा। अब ये जो ई एक जगह पे होगा ये हम क्या करेंगे, दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो यहां पर मैं एक और स्ट्रक्चर ले रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान देना, देखो F और D जहां था मैंने उसको वहीं लिया, लेकिन बोला क्या कि F से भी E सेकेंड राइट है और D से भी E सेकेंड राइट है, तो मतलब क्या होगा, अगर F ये वाला है तो बाहर देखेगा, देखो अगर ये बाहर देखता है तो E सेकेंड राइट गया, सही है कि नहीं। सिमिलरली D अंदर देखेगा तो ये सेकेंड राइट हुआ, देखो अंदर देखेगा तो E सेकेंड राइट हुआ, देखो यहां पे क्या हुआ, F बाहर देख रहा है तो E क्या है, F के सेकेंड राइट आ गया, और ये अंदर देख रहा है तो E क्या हुआ, D के सेकेंड राइट आ गया, सही है। सिमिलरली देखो यहां पे एक बार F हमने क्या किया, बाहर रखा, एक बार F हम अंदर रख रहे हैं तो E कहां जाएगा, देखो यहां आ जाएगा, F इधर अंदर सेकेंड राइट वन टू इधर आ गया। सिमिलरली अगर ये अंदर है तो ये कहां जाएगा, बाहर, तो देखो बाहर गया तब भी देखो क्या हो रहा है, E सेकेंड राइट हो गया, क्लियर है कि नहीं है। यही लाइन बोली गई थी वहां पे कि E जो है वो D के भी सेकंड राइट है और F के भी सेकंड राइट है, दोनों के अगर सेकंड राइट होना है इसका क्लियर मतलब ये है कि E एक जगह फिक्स होगा और एक D में से कोई अंदर और एक F में कोई बाहर देखेगा। तो मैंने क्या, देखो दो यहां पे कंडीशन ली, एक बार F को बाहर D को अंदर, एक बार F को अंदर D को बाहर, दोनों करा और दोनों के अनुसार मैंने E बैठा लिया। ये दो करने का इसलिए भी जरूरी होता है कि हम लोग हाथ से जब लिखते हैं ना स्पीड लिख पाते हैं, अगर एक ही डायग्राम में कंफ्यूज कर लेंगे तो दिमाग में क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बेटर है आप तोड़ लो, बिकॉज हाथ हमारा तेज चलता है, हम लोग क्या करेंगे जो गलत आएगा उस डायग्राम को क्रॉस कर देंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या बोल रहा है, ई जो है एफ के उल्टे दिशा में देखा, देखो क्या बोल रहा है, एंड फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ, तो एफ यहां कहां देख रहा है, बाहर, तो यहां कहां, ई कहां देखेगा, अंदर, ठीक है।
सेम यहां पे एफ कहां देख रहा है, अंदर, तो ई कहां देखेगा, बाहर, क्योंकि क्या बोला था, ई जो है एफ के उल्टे दिशा में देख रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है आगे देखो, सी सिट सेकेंड, सॉरी थर्ड राइट ऑफ ई, सी सिट थर्ड राइट ऑफ ई, अब ई ए वाला पकड़े, थर्ड राइट देखो राइट साइड है, इधर आएगा राइट उसका, ठीक, क्योंकि बाहर देख रहा है राइट, इधर एक दो तीन यहां आ गया सी। सेम यहां पे देखे, अंदर देख रहा है तो राइट कहां आएगा, इस तरफ राइट आएगा, अंदर देख रहा है इस तरफ आएगा राइट, तो ये हो गया राइट, तो एक दो तीन इधर आ गया सी, ठीक है, हमने क्या किया, आप सी पुट कर दिया। फिर क्या बोला, हु इज नॉट ऑपोजिट टू बी, मतलब ई जो है वो बी के ऑपोजिट में नहीं होगा, बी के विपरीत नहीं होगा। आगे जी इज नेबर ऑफ बोथ ई एंड डी, ठीक है, जी जो है वो बोथ डी और ई का पड़ोसी है, तो दोनों का पड़ोसी कब होगा, जब दोनों के बीच में बैठेगा, तो इस वाले में जी इधर आ गया और इस वाले में जी इधर आ गया, सही है कि नहीं। देखो डी और ई दोनों का पड़ोसी होना था, कर दिया हमने, ठीक है, यहां पर देखो दोनों का पड़ोसी हो गया, यहां भी डी और ई के बीच में, वहां भी डी और ई के बीच में, क्लियर है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है देखो क्या, जी इज नेबर ऑफ बोथ ई एंड डी एंड सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, दूसरे स्थान पे है बी से। अब देखो इसका दूसरा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है कि नहीं, इधर भी बी हो सकता है और इधर भी बी हो सकता है, सही है कि नहीं। सिमिलरली इधर देखो, एक छोड़ के इधर भी बी पॉसिबल है और इधर भी बी पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन देखो डायग्राम में एक चीज बोल दे संग में, हु इज नॉट द नेबर ऑफ ई, मतलब बी जो है वो ई के पड़ोस में नहीं होगा, तो यहां बी नहीं होगा और सिमिलर यहां पे भी बी नहीं होगा, हटा दिया हमने। अब जो लाइन बोली कि जो ई जी है नेबर ऑफ ई और डी है और सेकंड राइट ऑफ बी है, तो देखो बी ए फिक्स हो गया, लेकिन सेकंड राइट कब होगा, जब ये अंदर देखेगा, देखो जब ये अंदर देखेगा तो इसका क्या हुआ, इधर गया राइट, तो आया सेकंड राइट पे जी, देखो एक दो, क्लियर है। सिमिलर देखो यहां पे जो बी आया था ये कहां देखेगा, बाहर देखेगा, तभी आएगा सेकंड राइट पे जी, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। देखो एकदम सिंपल, बाहर देख रहा तो ये हो गया इसका राइट, तो इधर आएगा क्या हमारा जी सेकंड राइट पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखो जी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, अब जी जो है जी के तीसरे स्थान पे ए होना चाहिए और थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, तो पहले इसका दोनों तरफ से तीसरा स्थान देखें, इस वाले डायग्राम में देखो जी एक दो तीन यहां आया ए, और इधर से देखा तो एक दो तीन यहां आएगा, लेकिन यहां पे ऑलरेडी कौन है, एफ है, मतलब पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखो यहां पे क्या होना है, जी को ए का थर्ड लेफ्ट होना है, मतलब ए कहां देखेगा, अंदर देखेगा, देखो ए अंदर देखेगा तभी तो थर्ड लेफ्ट आएगा, देखो ए अंदर देख रहा तो लेफ्ट आया इसका, यहां पे देखो एक दो तीन पे आ गया जी। सिमिलरली यहां पे देखो जी का एक दो तीन कौन है, एफ है एक साइड, तो यहां तो होगा नहीं, इधर आओ एक दो तीन खाली है, तो ये हो गया ए, और ये कहां देखेगा, ये अब देखो बाहर की तरफ देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा तो लेफ्ट बन रहा है, देखो इसका है या नहीं, बाहर की तरफ देखेगा तो ये क्या रहा है, इसका यहां पे लेफ्ट होगा, है कि नहीं, बाहर की तरफ में लेफ्ट हुआ, देखो जी एक दो तीसरा लेफ्ट पे पहुंच गया, सही है कि नहीं। अब देखो यहां पे बचा क्या, सिर्फ एच, तो यहां पे मैंने एच बैठा दिया, यहां भी मैंने क्या किया, एच बैठा दिया, डायग्राम देखो दोनों कंप्लीट है, लेकिन कौन सा सही कौन सा गलत ये अभी डेटा बचा हुआ है, उसको लोग देख लें। अब क्या बोला, देखो G इज थर्ड लेफ्ट ऑफ A, हु इज थर्ड राइट ऑफ बोथ A, H एंड G, मतलब A जो है वो H और G दोनों के ही क्या है, थर्ड राइट पे है, तो देखो अगर ये है A, कंफर्म है G H ये है थर्ड राइट, तो देखो दोनों से ही, थर्ड राइट का मतलब क्या है, दोनों से ही तीसरे स्थान पे होना चाहिए A, तो इधर देखो G एक दो तीन, लेकिन राइट होना मतलब ये कहां देखेगा, बाहर देखेगा, बाहर देखेगा, तो देखो ये आ गया क्या इसका राइट, बाहर देखा तो राइट नीचे, तो देखो एक दो तीन आ गया। सिमिलरली एच कहां देखेगा, देखो अंदर देखेगा, तो इसका यहां पे राइट आएगा, अंदर देखा तो राइट आ गया, तो एक हो एक दो तीन, क्लियर है कि ए अब दोनों एच के भी थर्ड राइट है और जी के भी थर्ड राइट है। यहां पे देखो, यहां पे देखो दिख रहा है क्या कि जी जो है वो एच, एच और जी के बीच में सिर्फ एक लोग बैठे हैं, मतलब यहां पे भी क्या हो रहा है, देखो ए जो है मेरा थर्ड राइट, तो कैसे ये अंदर देखा तो भी क्या आ रहा है थर्ड राइट, ये बाहर देख रहा है तो भी क्या आ रहा है, देखो ए के थर्ड राइट आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। आपको क्लियर क्या बोल दिया, यहां पे देखो ए
जी के थर्ड राइट, तो अंदर देख रहा है तो देखो एक दो तीन, क्योंकि जी जब अंदर देखेगा तो ये आएगा राइट, एक दो तीन राइट, सही है। सिमिलरली एच देखो बाहर देख रहा है, बाहर देख रहा है तो क्या होगा, ये उसका राइट होगा और ये उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, तो राइट एक दो तीन आ गया मेरा, क्लियर है। आगे क्या बोला देखो, बी फेसेस टूवर्ड द सेंटर एंड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो जैसे ही बोला बी इज फेसिंग सेंटर, ये को ये वाला डायग्राम गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी क्या मेरा बी बाहर आ चुका था, मतलब क्या हुआ, ये मेरे स्टेटमेंट को फॉलो नहीं किया और ये हो गया मेरा रॉन्ग डायग्राम, ये हो गया मेरा गलत डायग्राम, क्लियर है। तो इसको हम कर दे रिमूव, क्योंकि अब मुझे राइट डायग्राम मिल चुका है, ये हो गया रॉन्ग डायग्राम खत्म। अब ये हो गया अंदर, और क्या बोला सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, मतलब ये कहां देखेगा, बाहर देखेगा, तभी तो देखो इसका ये लेफ्ट आएगा, तो बाहर देख रहा है सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। तो आप देख सकते हो क्या, हमने एक रीड में आराम से फिर से एक डायग्राम को बना डाला और इन एंड आउट का तो कोई टेंशन ही खत्म कर दिया। सिर्फ देखो इन एंड आउट का या नॉर्थ साउथ जब फेसिंग आता है मिक्स वाले क्वेश्चन, खाली आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, क्या, डायरेक्शन हमेशा सही लेना, क्योंकि डायरेक्शन अगर गड़बड़ हो गया तो राइट लेफ्ट आप गड़बड़ कर दोगे, इसीलिए राइट लेफ्ट जो है मेन फोकस करिएगा जब भी क्वेश्चन मिक्स करके आए। और यहां पे हम देख सकते हैं कि हम लोग ने बड़े इजिली से एकदम बस एक बार रीड, देखो आपने अभी देखा फिर से मैंने शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ लिख रहा था, लेकिन मैंने दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने शॉर्टकट के इस्तेमाल से इसको बना डाला और देखो वन रीड पे ही बना है, मतलब दोबारा हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। सो यही तरीका, यही तकनीक, आपने प्रैक्टिस कितनी करनी है इस पे भी निर्भर करता है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करिए इस तरीके के साथ तो आप देखो आप खुद बोलोगे कि हाँ स्पीड तो आ गई है भैया और राइट आंसर तो आना ही आना है, क्योंकि अगर आप सही बना रहे हो तो राइट तो आना ही है, क्लियर है बच्चों। तो हम लोग बस आज इतना ही, कल हम लोग क्या करेंगे इसको पजल्स हम लोग शुरू करेंगे, और आप लोग से बस यही गुजारिश है प्रैक्टिस करते रहिए, पसंद आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड है जो इसका लाभ उठा सकें, और हम लोग फिर से जो नेक्स्ट कल आ रहे हैं पजल लेके, पजल की शुरुआती क्वेश्चन कितने टाइप क्या है उसको डिसीजन करते हुए हम लोग कल से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू।